नाइट गार्ड क्या होता है? ये क्वेश्चन मुझे मेरे इतने सारे पेशेंट्स ने पूछा है। मैंने एक वीडियो रखा था कुछ महीनों पहले कि नाइट ग्राइंडिंग जो बोलते हैं दांत को पीसने की आदत, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है नाइट गार्ड बना के उसको पहनना। अब नाइट गार्ड क्या होता है ना, वो बहुत लोगों को पता नहीं चला। मैंने उस वीडियो में समझाया है पर बहुत डिटेल से समझा नहीं पाया हूँ, तो आज के वीडियो में मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि नाइट गार्ड क्या होता है, कैसे बनता है, इसका तकरीबन कितना खर्च रहता है और आपको इसे किस तरह इस्तेमाल करना है ताकि आप दांत पीसने की आदत से अपने दांतों को घिस जाने से बचा सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कराकर बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। एक और प्रश्न जो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है वो है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका क्लिनिक कहाँ पर है, हम आपके पास ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। मैंने उसे ऑलरेडी अपने आगे के वीडियो में भी बताया है, लेकिन इसमें मैं खास आपको बता रहा हूँ, मेरा क्लिनिक सूरत में है। मेरे तीन क्लिनिक है लेकिन तीनों क्लिनिक सूरत गुजरात में है। तो अगर आप सूरत गुजरात आके ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बाकी अगर आप किसी और शहर या गांव से है, भारत के किसी भी और प्रदेश से है, तो आप वहां पर अपने घर के नज़दीकी किसी डॉक्टर को संपर्क करें और उनसे ट्रीटमेंट करवाएं। तो आप मुझे फ़ोन पे भले आप सलाह लीजिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं फ़ोन आपको उठा पाऊँ ना उठा पाऊँ। मेरी भी सर्जरीज होती है, मेरे और पेशेंट्स होते हैं, तो हर बार मुझे टाइम नहीं होता कि मैं आपके फ़ोन उठा के आपको जवाब दूँ। इसलिए कई लोग आप मुझे फ़ोन करते हैं, मैं आपको सबको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेन जो चीज़ है, आप मुझे ज़्यादा लगे तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं जब फ्री होऊंगा तो आपको रिप्लाई बैक करूंगा। लेकिन मैं बिना देखे यहाँ इतना दूर से आपको कोई भी आपके फोटो वगैरह देख के अगर रिप्लाई करता हूँ तो वो 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पर्सनली आपका केस चेक नहीं किया है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी और डॉक्टर को दिखाए, डेंटिस्ट को दिखाए और उनकी सलाह के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे मतलब आप मुझे फ़ोन करो और मेरी सलाह ले, उससे अच्छा आप किसी डेंटिस्ट को दिखाएं। हाँ, अगर आप सूरत के नज़दीक है या सूरत में आके दिखाना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक के एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं, नाइट गार्ड क्या है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, नाइट गार्ड एक ऐसी चीज होती है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या रबर से बनी हुई चीज जो आप फोटो में देख सकते हैं, उसे हमें नाप के हिसाब से बनवानी पड़ती है। ये रेडीमेड दुकान से ले आओ और आप यूज करने लगो ऐसी नहीं होती है। आप हर एक के मुंह का नाप अलग अलग होता है, हर एक के किसी के दांत छोटे बड़े आगे पीछे, मसूड़ों की साइज, तो उन सब के हिसाब से एक भी जन का मुंह दूसरे बाजू वाले बंदे के मुंह से कभी मैच नहीं करता। इसलिए आपको पहले डेंटिस्ट के पास जाना है, वो आपके दांतों का और मुंह का पूरा नाप लेंगे और आपके नाप के हिसाब से ये नाइट गार्ड बनाया जाता है लैब में। मतलब आज अगर नाप लिया तो 2 3 4 दिन लगेंगे, किसी में 5 दिन भी लग जाते हैं वो नाइट गार्ड बनने में। वो बन के आ जाएगा, फिर आप वापस डेंटिस्ट के पास जाके उसे पहन लीजिए, ले लीजिए उनसे। और उसे आपको हर रोज रात को तो पहनना ही है, पर जिनको दांत की पीसने के दिन में भी उसकी जिसकी आदत है कि जिसको गुस्से में या तनाव की वजह से अगर आप दिन में भी दांत पीस रहे हैं तो ये नाइट गार्ड आपको दिन में भी पहनना रहेगा। बट ये नाइट गार्ड की वजह से आपको बोलने में और खाने में तकलीफ होती है, इसलिए यूजुअली हम ऐसी सलाह देते हैं कि भाई रात को सोते वक्त पहनो, सोने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से पहन के सो सकते हो, रात को हमें खाना भी नहीं है बोलना भी नहीं है। लेकिन दिन के टाइम पे जो पहनते हैं उनके लिए ये तकलीफ हो सकती है। इसलिए आप प्लीज मुझे फोन करके ये मत बोले कि आप प्लीज मुझे नाइट गार्ड बनवा के भेज दीजिए, पार्सल में आपको पैसे दे देंगे। इसमें पैसों का ज्यादा मतलब नहीं है, ये मैं आपके मुंह के नाप के हिसाब से ही बनता है, तो आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ, एक बार मुझे एक बंदे का ऐसा फोन आया था कि भाई हमारे गांव में मैंने चार चार पांच डेंटिस्ट को पूछा, कोई नाइट गार्ड बना ही नहीं पा रहा। तो उस केस में आप ऐसा करो कि उस डेंटिस्ट को बोलो कि भाई आप नाप ले लो, आप मुझे नाप की कास्ट बना के दे दो। कास्ट ऐसी दिखती है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ऐसी कास्ट एक बार आपको वो डेंटिस्ट दे देंगे, वो कास्ट आप मुझे कुरियर से मेरे क्लिनिक पे भेज दीजिए, मैं नाइट गार्ड बनवा के आपको कुरियर से आपके घर वापस भिजवा दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर वो डेंटिस्ट को ऐसा ना लगे कि आपने उनसे सिर्फ नाप लिया, नाइट गार्ड नहीं बनवाया। अगर वो नाइट गार्ड बनाते हैं तो उन्हीं से बनवाइए। अगर वो ऐसा बोलते हैं कि हम नाइट गार्ड नहीं बनाते हैं, तो वही इस तरह से आपको नाप मुझे पार्सल में भेजना है।
अब इसका खर्च वगैरह कितना होता है। नाइट गार्ड बहुत टाइप्स के होते हैं, आपके मुंह और दांतों की कंडीशन के ऊपर डिसाइड होता है कि आप में कौन सी क्वालिटी का नाइट गार्ड जाएगा। सबसे सस्ता नाइट गार्ड 500 रुपए से शुरू होता है और सबसे महंगा नाइट गार्ड 12,000 रुपए का भी होता है। तो वो रेंज होती है पूरी, वो आपके मुंह दांत जबड़े मसूड़े सब देख के डिसाइड होता है कि आप में कितना खर्च लगेगा, ठीक है। और इसमें आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए, मतलब पतली चाहिए, थोड़ी मोटी चाहिए, प्लास्टिक की चाहिए कि रबर की चाहिए, इसमें बहुत प्रकार की क्वालिटी होती है। इसलिए एक भाव में आपको कुछ बोल दूं कि भाई 5,000 का है तो वो फिक्स नहीं होता, किसी को 2,000 का भी मिल सकता है, किसी को 8,000 का भी मिल सकता है। उसके उपरांत जो इसमें फर्क होते हैं वो आप कौन से शहर से या गाँव से है। शहरों में डेफिनेटली हर एक चीज के दाम ज्यादा होते हैं, जैसे आपने देखा है कि सब्जी हो या कपड़े हो, सब चीजें अगर महंगी है शहरों में तो दांत की ट्रीटमेंट भी महंगी होगी। नाइट गार्ड भी अगर गांव में आपको 2,000 का मिल रहा है तो शहर में 3-4 हज़ार का मिल सकता है। मैं सूरत शहर से हूँ, हम यहाँ के रेट्स बोलेंगे। अगर आप मुझे कुछ पूछेंगे कि भाई आप अपनी रेंज बताएं, तो मैं आपको जो रेंज बताऊंगा वो सूरत के हिसाब से होगी, वो मुंबई में दिल्ली में महंगी होगी। और वही चीज आप किसी गाँव में देखने जाएंगे तो गाँव में मुझसे भी सस्ती हो सकती है। तो रेट्स हमेशा आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसका आप ज्यादा टेंशन ना लें। अब नाइट गार्ड क्यों जरूरी है वो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि नाइट गार्ड पहनने की वजह से जब आप दांत पीसेंगे इससे पीसने की आदत बंद नहीं होती है, ये प्रॉपर आप समझ लीजिए। इससे सिर्फ दांत पीसते वक्त आपके दांत की नुकीली जो परत है और दांतों के ऊपर के एनामल की जो लेयर है वो निकल ना जाए, वो खराब ना हो जाए, आपके दांत बहुत जल्दी बर्बाद होकर निकल ना जाए, इस वजह से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये नाइट गार्ड पहनते हैं। तो ये एकदम आप दिमाग में समझ ले, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज और फोन में हर बार एक ही चीज पूछी जाती है। तो भैया अगर आप मुझे फोन कर रहे हो तो पहले वीडियो पूरा देख ले, इसके अंदर आपको क्या क्या समझ में पूरा मैं डिटेल में समझा ही रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको समझना है तो मुझे फोन करें। बाकी अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी समझने में, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे तो मेरा नंबर आपके पास है, वो यहाँ फ्लैश भी हो रहा है, पर ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो प्लीज बिना काम के मुझे फोन करके डिस्टर्ब ना करें। और मैं आपके क्लिनिक में आना चाहता हूँ लेकिन मैं इतना दूर बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे क्वेश्चन आंसर्स के लिए मत फोन करें। अगर आपको पता ही है कि आप सूरत नहीं आने वाले हो तो आप मुझे फोन करके मेरा और आपका दोनों का टाइम प्लीज बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे फोन आने लगे हैं दिन में। मैं ये वीडियो लोगों की जानकारी के लिए बना रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुझे फोन करो। मेरा रूटीन सब जो पेशेंट्स होते हैं, कामकाज होता है, सर्जरीज होती है, के बीच में फोन बजते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, और अगर एक दो दिन तक रिप्लाई ना किया कुछ काम की वजह से तो मैसेज में भी बंदे मुझे पूछते हैं लोग कि भाई आपने अगर रिप्लाई नहीं करना था तो फोन नंबर दिया ही क्यों। तो भैया ये मैं आपसे कोई पैसे तो चार्ज कर नहीं रहा हूँ ना कि आप इस तरह से मुझसे बात करेंगे। अगर मैं आपका फोन ले रहा हूं तो जितनी बात हो पाएगी उतनी करेंगे, या तो अगर मैं बिजी हूं तो मैं आपका फोन भी नहीं ले पाऊंगा। अब ज्यादा अच्छा है कि आप मुझे मैसेज में कोई क्वेश्चन पूछो अगर कोई कंप्लेन है तो, और वो मैसेज का भी रिप्लाई मैं अपनी फुर्सत से दूंगा। आपने मैसेज किया तो मैं तुरंत आपको मैसेज का रिप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज इसे बुरा मत समझिए कि डॉक्टर साहब ने इतना बुरी तरह से हमें बोल दिया, पर मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ दिन के, मतलब आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, 40,000 लोगों ने वीडियोस देखे हैं, उसमें से 1,000 लोग भी मुझे फोन करते हैं ना तो मुझे वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ये मेरे पुराने वीडियोस जो लॉकडाउन के दौरान जब हम फ्री थे तो फटाफट बना लिए, लेकिन अब लॉकडाउन सारा खुल चुका है और अब मुझे सारे पेशेंट्स के बीच में ये सब टैकल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं। दूसरी मैं बात आपके नाइट गार्ड के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि नाइट गार्ड जो प्लास्टिक का होता है और रबर का होता है उसमें क्या डिफरेंस है, वो मुझे कई लोगों ने पूछा है। रबर का नाइट गार्ड थोड़ा नरम होता है तो जब आप पहनेंगे तो आपके मसूड़ों में चुभेगा नहीं, जबकि प्लास्टिक का नाइट गार्ड थोड़ा कड़क होता है, थोड़ा सख्त होता है, तो वो आपके मसूड़ों में चुभ सकता है। इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप रबर का नाइट गार्ड बनवाए, भले वो थोड़ा महंगा पड़ेगा प्लास्टिक के नाइट गार्ड से, बट आपको मसूड़ों में कभी चुभेगा नहीं, वो ज्यादा अच्छे से चलेगा भी लंबा। अब ये कितना चलता है, एक प्रश्न ये आता है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपके यूजेज के हिसाब से है और आपके दांत पीसने की आदत के हिसाब से। किसी को थोड़े से ही दांत पीसने की आदत है तो 5-5, 7-7 साल भी निकल जाता है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज्यादा एकदम जोर जोर से पीसते हैं दांत तो 1 साल में भी पूरा तकरीबन खराब हो जाता है नाइट गार्ड, घिस के छोटा होकर छेद होने शुरू हो जाते हैं, फिर आपको नया बनवाना पड़ता है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना ज्यादा अपने दांतों को बचा रहे हैं। अगर आपने नहीं पहना होता तो सोचो जब नाइट गार्ड टूट के फट गया तो अगर वो नहीं होता तो आपके दांतों की तो क्या हालत हो गई होती, सारे दांत घिस गए होते आपके।
इसलिए ये नाइट गार्ड पहनना बहुत जरूरी होता है, स्पेसिफिकली उन बंदों के लिए कि जिनको ये दांत पीसने की आदत है। और कोई भी आपको नाइट गार्ड के रिलेटेड प्रश्न हो तो आप डेफिनेटली मुझे पूछिए, मैं रिप्लाई करने में मना नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और फोन हो सके तो बहुत इमरजेंसी हो तो ही कीजिए, बाकी मत कीजिए प्लीज। और आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, अगर आपको कुछ बुरा लगा है मेरी बातों का तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो बनाने में हमें बहुत टाइम, बहुत एनर्जी जाती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे काम छोड़ छाड़ के हमें ये करना पड़ता है, तो एटलीस्ट एक अच्छा मुझे लगेगा अगर आप इसे लाइक करेंगे या शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरी चैनल के बाकी वीडियोज देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन के बटन दबाना ना भूलें। मुझसे कई और प्रश्न पूछे गए हैं जिनके ऊपर के वीडियोस मुझे बनाने बाकी हैं, तो मैं कुछ ही दिनों में वो वीडियोस अपने टाइम टेबल के हिसाब से जैसा एडजस्ट होगा अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के बनाऊंगा, और हो सके उतना जल्दी अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों के जो और भी प्रश्न है वो सारे इसमें से मैं हल कर सकूँ। कुछ और प्रश्न जो मुझसे पूछे गए हैं, एक तो तम्बाकू पान मावा खाने से जिसके मुंह बंद हो जाते हैं, वो सारे लोग बड़े परेशान है कि भाई इसको खोलने के लिए क्या करना है, तो उसके मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, लेकिन कुछ लोग मांग रहे हैं कि और डिटेल में बनाइए, तो एक और मेरा इसके ऊपर एक वीडियो डिटेल में आने वाला है। और कुछ कुछ चीज़ें मुझे अलग भाषा में, मतलब कुछ ऐसे साउथ के लोग वगैरह जो भी है जो हिंदी समझ नहीं पा रहे, तो उनके लिए मेरे कुछ वीडियोज़ इंग्लिश में भी आएंगे, तो अगर आपको वो भी देखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।